नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिटिकल्स गाइड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को 11 KV के जो डबल पोल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे जो टॉप में दिखाई दे रहा है वो आपका 11 KV का नायल है, उसके बाद में आपका AB स्विच है जिसको एयर ब्रेक स्विच भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको डीओ फ्यूज मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा डीओ फ्यूज है और डीओ फ्यूज से फिर आपका ट्रांसफार्मर में आपका 11 KV का जो ट्रांसफार्मर है उसमें कनेक्ट हो जाता है सप्लाई, ठीक है। ये HT साइड कनेक्ट हुआ है और LT साइड से जो सप्लाई निकलेगा उसको हम लोग एक DB यानी जिन आता है उसको नीचे दिए हुए आपका DB यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्ट कर देते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम कुछ LT के स्विच गियर लगा देते हैं या बस वाला लगा देते हैं और इसी से अलग अलग एरिया को हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ, अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।